जांजगीर चांपा जिले में ढाबा कर्मचारी की हत्या करने वाला फरार रसोइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। सिवनी निवासी आरोपी जॉन बरेट ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मृतक धर्मेंद्र ग्राहकों को पानी और खाना परोसने को लेकर उसे आए दिन परेशान करता था। हत्या वाले दिन भी धर्मेंद्र ने उस पर हथौड़े से वार किया था, लेकिन उसने धर्मेंद्र से हथौड़ा छीन लिया और सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रार्थी क्रांति कुमार चौहान के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कोरबा स्थित सिवनी में जो उनका केके ढाबा है उसमें कार्यरत कर्मचारी धर्मेंद्र जांगड़े की हत्या हो गई थी और उनके द्वारा ये संदेह व्यक्त किया गया था कि उस रात्रि को 24 की रात्रि को धर्मेंद्र जांगड़े के साथ उनका सहकर्मी जोहन बरेट भी वहां साथ में सोया हुआ था और धर्मेंद्र जांगड़े की हत्या के बाद से वो वहां से फरार था। इस पर संदेही जोहन बरेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। फरार आरोपी जोहन बरेट को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके द्वारा इस हत्या को कारित करना भी स्वीकार।